हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी और टाटा पावर शेयर के ऊपर। दोनों ही स्टॉक के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, डिटेल में सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जिस स्टॉक में क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंडामेंटली क्या हो रहा है, टेक्निकली क्या हो रहा है, सारा जानकारी यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। एनएचपीसी के शेयर में फ्राइडे के सेशन में तकरीबन 2% का गिरावट देखने को मिला, और अगर लास्ट वन मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक अभी भी 5.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि ऊपर के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा आगे, चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको हर लेटेस्ट अपडेट मिलता रहता है, क्योंकि जिस किसी भी स्टॉक का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है या नहीं बनाने का टाइम होता है, उसका अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पे होता है। तो अगर आप टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करेंगे। और इसके साथ ही इन केस अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका बिजनेस है या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर समय नहीं है एनालाइज करने का, मार्केट को देने का, क्योंकि मार्केट समय मांगता है। अगर आप मार्केट को सही से समय नहीं दीजिएगा तो फिर आपका ट्रेड सही नहीं होगा। तो फिर जो है आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है, कहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक होगा, कहाँ पे फुल प्रॉफिट बुक होगा, कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका पोजीशन साइजिंग, एवरीथिंग आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं तो पास्ट परफॉर्मेंस भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेटेड है, लास्ट 2 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का, लास्ट मंथ का सारा डिटेल जो है यहाँ पे अपडेटेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप FNO को ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। FNO का भी आपको स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आगे NHPC के शेयर के ऊपर। सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है, NHPC और टाटा पावर के बीच में एक MOU साइन हुआ है। ये MOU जो है आपको साइन किया गया है गवर्नमेंट का जो MBCS प्रोजेक्ट है, PM सूर्य घर योजना, जो कि आपको जनवरी में अनाउंस हुआ था। गवर्नमेंट अब इसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी तेजी से करना चाहता है, और गवर्नमेंट का प्लान है 100% जो है आपको जो भी गवर्नमेंट ऑन्ड फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का ऑफिस है, गवर्नमेंट का कोई सेटअप है, कॉलेजेज हैं, इंस्टीट्यूशन है, कोई कैंप है, उन सभी जगह पे 100% सोलराइजेशन, ये गवर्नमेंट का फोकस है। और इसी के लिए जो है दो कंपनियों का टाइप हुआ है, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि आपको टाटा पावर का सब्सिडरी है, और NHPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि NHPC का सब्सिडरी है। इन दोनों के बीच में जो है आपको टाइप हुआ है, और टारगेट है दिसंबर 2025, यानी कि 1.5 ईयर में, नेक्स्ट 1.5 ईयर में ऑल ओवर इंडिया जितना भी गवर्नमेंट फैसिलिटी है उसके ऊपर आपको सोलराइजेशन करना है। और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट अगर आप अपने नियर बाय में देखेंगे तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में, काफ़ी सारे ऑफिसेस में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो 23rd को बजट भी है, बजट में भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर और भी ज़्यादा जो है फोकस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 23rd 24th जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 23rd को जो आपको अनाउंसमेंट होगा उसका इफेक्ट जो है 24th को देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों का जो है आगे नेक्स्ट वीक में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है।
अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो एनएचपीसी का जो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जून क्वार्टर का आ चुका है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एफआई ने जबरदस्त इंक्रीमेंट किया है। एफआई ने यहाँ पे 2.16% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआई ने यहाँ पे 1% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। लेकिन जितना भी डीआई और पब्लिक ने सेल आउट किया है, कंप्लीट जो है एफआई ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये भी आपको एक अच्छा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रमोटर प्लस एफआईआई प्लस डीआई अगर इनका होल्डिंग मिला दे तो तकरीबन जो है 88% के आसपास जो है इनका होल्डिंग है। रेस्ट ओनली 12% पब्लिक के पास है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग हैंड रहेगा उतना ही अच्छा जो है कंपनी यहाँ पे माना जाता है। टेक्निकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर या फिर वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रैली किया था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक यहाँ पे स्टक है, एक रेंज में स्टक है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस तेजी के बाद स्टॉक यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन किया था, बट ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो अभी जो है स्टॉक में थोड़ा सा और समय लग सकता है। ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 118 के लेवल पे, डाउन साइड से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं होता है, स्टॉक में फर्दर गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाता है तो स्टॉक में और ज़्यादा हम लोग गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, जो स्टॉक जो है और थोड़ा समय एक रेंज में स्पेंड कर सकता है, उसके बाद ही हम लोगों को एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो आप जरूर जो है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए अभी आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर में अगर देखेंगे तो कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे प्लेस्ड है। लगातार कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, सेल्स इंक्रीज कर रहा है। मार्च 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने अपना हाईएस्ट सेल्स पोस्ट किया और हाईएस्ट जो है कंपनी ने अपना यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया। इसके साथ अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो है कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया एक हेल्दी मार्जिन के साथ, 17% के हेल्दी मार्जिन के साथ। लगातार जो है कंपनी आपको डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। तो कंपनी में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स इंक्रीज कर रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, कंपनी डिविडेंड दे रहा है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। तो एक अच्छे लेवल पे आपको टाटा पावर प्लेस्ड है। एक अच्छे प्रमोटर के द्वारा बैक किया हुआ है, 46.86% जो है यहाँ पे प्रमोटर के पास है, 9.5% एफआईए के पास है। एफआईए ने यहाँ पे 0.06% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है जून क्वार्टर में। डीआई के पास जो है 15.49% का स्टेक है, डीआई ने भी 0.02% से अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। यानी कि एफआईआई डीआई और प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक का भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 0.1% से डिक्रीज हुआ है, जो कि एफआईआई और डीआई ने यहाँ पे बाई किया है। तो चलिए अब बात करते हैं टाटा पावर के चार्ट्स के ऊपर। अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखेंगे तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है स्टॉक ने यहाँ पे दिया था, 143-145 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने दिया था 16 ईयर, यहाँ पे आपको 14 ईयर का ब्रेकआउट 2021 के सितंबर मंथ में। उसके बाद जो है स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा तेजी हुआ है और कहीं पे मेजर रिट्रेसमेंट देखने को मिला नहीं है। करेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक में वापस से एक शानदार तेजी हुआ है, तो स्टॉक में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको एक यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। तो अभी इस स्टॉक में भी हम लोग वेट करेंगे जब तक कि एक क्लियर साइन हम लोगों को नहीं मिलता है। अभी जो है यहाँ पे हम लोगों को वेट ही करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है मल्टीबैगर रिटर्न आपको मिल रहा है तो आप चाहे तो पार्सल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा समय जो है यहाँ पे अब इस स्टॉक में लग सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।